निकाल लेंगे रुक जाओ और चाय ठंडी हो रही है। अब हम नेपाल बॉर्डर पहुंच गए हैं और ये हमारे साथ अनुज जी हैं। अब ये अपना बताएंगे कैसा रहा इनका एंटिक अनुभव अभी तक का। फर्स्ट इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉसिंग, अच्छा लग रहा है, बाकी देखते हैं फ्यूचर में और कितना अच्छा लगता है, अभी तो बहुत चलना है। अभी आज पहुंच जाएंगे हम काठमांडू या रास्ते में कहीं रुकना है वो तो मौसम कितना मौसम होता है उस पर डिपेंड करेगा। तो दोस्तों आज हम नेपाल बॉर्डर अभी क्रॉस कर रहे हैं और हमारी परमिशन अभी बन के आ जाएंगी 10 से 15 मिनट में। और ठंडा पानी नहीं चाहिए? अभी रुक जाओ आंटी, थोड़ी देर में लेंगे, अभी है परमिशन आएगी उसके बाद लेंगे। और ये चाय की चुस्की नेपाल की, ये अनुज जी की और ये मेरी। और अब हम जो है थोड़ी देर बाद आगे जाएंगे। दोस्तों अभी तक का सफर हमारा बहुत बढ़िया रहा है, हम आगरा रुके थे पहली बार, आगरा के हमारे जो साथी थे उन्होंने बड़ा ही भव्य हमारा स्वागत किया। और उसके बाद हम लखनऊ में मिले साथियों से, वहाँ भी हमारा गजब का अनुभव रहा, रस्तोगी जी ने पूरी टीम के साथ हमारा जो है स्वागत किया और सत्कार किया। और उसके बाद हम अयोध्या में जब नाश्ते के लिए रुके, हमारा मन था चाय पीने का, लेकिन हमें वहाँ कुछ सज्जन मिले, बड़े ही जुझारू युवा साथी मिले जिनका मन था समाज सेवा का, और वो अपनी एक छोटी सी संस्था भी चला रहे हैं। और उस छोटी सी संस्था, नाम भले ही उनका छोटा हो या यूँ कहो कि नाम उनकी संस्था का सामान्य सा है, द आयुष्मान, लेकिन वो काम बड़े ही गजब के कर रहे थे दोस्तों। उनका काम था गरीब बच्चों को पढ़ाई में मदद करना और गरीब लड़कियों की शादी में मदद करना, और जितना उनसे बन सके रक्तदान के लिए लोगों को प्रेरित करना। उनसे मिलकर के हमें बड़ा ही गजब का अनुभव रहा हमारा, और उनका मन था वो हमारे साथ जुड़ के आगे काम करे, और हम उनको निसंदेह तौर पे हम उनको अपने साथ जोड़ेंगे और आगे मिल करके बहुत अच्छे काम करेंगे। तो दोस्तों हमारा जो उद्देश्य है नेपाल आने का वो है भारत और नेपाल के दिव्यांगों से मिलना और थोड़ा सा कंपैरिजन करना कि नेपाल में दिव्यांगों के लिए क्या सुविधाएं हैं और भारत में क्या सुविधाएं हैं। कि हम भारत में तो हम लंबी यात्राएं भी करते हैं, कार्यक्रम भी करते हैं, लेकिन नेपाल में हमारा आज पहली बार आना हुआ है और बड़ा अभी तक का जो हमारा अनुभव रहा है बड़ा गजब का रहा है। और अब नेपाल एंट्री कर चुके हैं हम, और गोकर्णा साहब हमें मिलेंगे अगले स्टॉपेज पे, उनके साथ चाय पियेंगे, अगर मौसम रहा ठीक तो हम आगे जाएंगे, नहीं तो हम जो है उनके पास स्टे करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और हमारी यात्रा के लिए शुभकामनाएं दीजिए, हम जल्दी ही आपके साथ ये वीडियो जो है साझा करेंगे, उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। ये अनुज जी हैं जो अब व्याकुल हैं चाय के साथ रस खाने के लिए, और आगे की यात्रा हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। अब चाय की चुस्की लेते हैं दोस्तों और फिर जल्दी आपसे दोबारा मिलेंगे।